कानून मुफरदाज़ा तिब्बे साबित तिब्बे यूनानी और हकीकी तिब को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस करें ताकि आपको तिब और सेहत के बारे में हमारे आने वाली मुफीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारी वीडियोस से मुस्तफीद होते रहें। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें और आगे अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए नुस्खे के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खजूर का हलवा। सर्दियों का मौसम है और इस मौसम में ये हलवा जो है बहुत सारे अमराज के अंदर फायदेमंद है। इसको बनाने का तरीका क्या है, इसके फवायद क्या हैं, ये तमाम तर तफसीलात इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में बयान होगी। तो ऐसे भाई जो मर्दाना कुव्वत खो बैठे हैं, उनकी टाइमिंग का मसला है, उनकी सूरत इज़दाल का मसला है, उनके जरियान का मसला है, उनको ज़कावते हिस का मसला है, उनको इंतशार सख्ती तनाव का मसला है, खुश्की सर्दी जिस्म के अंदर बढ़ चुकी है, तेजाबियत बढ़ चुकी है, सांस की तंगी हो जाती है, कब्ज है, गैस है, पट्ठू में अकड़ाव है, खिंचाव है, कमर में दर्द है, फिर पेशाब के अंदर रुकावट है, जलन है, गुर्दों के ऊपर वजन है, भारीपन है, खट्टी डकारें आती हैं और जिस्म के अंदर खुश्की दूर से नजर आती है, तो इन तमाम तर अलामात के अंदर ये जो नुस्खा है इस्तेमाल करने से आपके बहुत सारे मसाइल इस तरह के हल हो जाएंगे। ख्वातीन के अंदर हार्मोन्स प्रॉब्लम हो जाते हैं, उनको थायराइड का मसला हो जाता है, उनको रसौलियां हो जाती हैं, उनको पानी की थैलियां बन जाती हैं, उनके पीरियड्स बंद हो जाते हैं, उनके पीरियड्स इरेग्युलर हो जाते हैं, चेहरे पर स्याही आ जाती है, थकान सी महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है, तो उनके लिए भी ये नुस्खा बेहतरीन है। फिर बच्चे थोड़ा सा काम करने से उनको कमजोरी महसूस होती है, उनका वजन नहीं बढ़ता, उनको भी जिस्म के अंदर दर्दें होती हैं और उनका रंग भी जो है वो स्याह हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर बच्चों को के लिए भी ये नुस्खा, ये हलवा खजूर का बहुत जबरदस्त फायदेमंद है। तो आपने करना क्या है कि 2 किलो आपने खजूरें ले लेनी है। खजूरें जरा थोड़ी सी सख्त होनी चाहिए, नरम सी जो ब्लैक कलर की आती हैं आजकल डब्बों के अंदर, पैकेट के अंदर आती हैं, वो आपने नहीं लेनी, बल्कि जितने उसके अंदर खुश्की हो, खुश्क हो, तो ताकि वो पकाने में आसानी हो, वो आपने लेनी है। उसका छिलका वगैरह जो है वो ताकि ना उतरने वाला हो, वरना फिर वो उसका जायका जो है वो अजीब सा बन जाता है, अच्छा नहीं बनता। तो आपने वो 2 किलो खजूरें जो है वो गुठली के बगैर आपने 2 किलो वो ले लेनी है और उसको आपने दूध के अंदर इसको आपने भिगो देना है। 2-3 घंटे तक आप इसको भिगो के रखें ताकि जो है वो आपकी खजूरें जो है वो फूल जाएं। थोड़ी सी जब वो फूल जाएं तो आपने क्या करना है कि उसको आपने चूल्हे पे रख देना है, आग जला के उसको चढ़ा देना है और इसको आपने इतना पकाना है, इतना पकाना है कि वो दूध जो है वो कुछ खुश्क हो जाए। तो उसमें आपने मग़ज़ियात डालने हैं,
उसमें एक पाव आपने मगज बादाम डाल लें, देसी होने चाहिए तो ज्यादा बेहतर है। एक पाव आपने मगज अखरोट के लेने हैं, एक पाव आपने चारों मगज लेने हैं, एक पाव आप इसके अंदर पिस्ता डाल लें और एक पाव आप इसके अंदर चिलगोजा डाल लें, तो एक तोला आपने इसके अंदर जाफरान शामिल करें। तो तमाम तर चीजों को आपने बारीक जो है वो टुकड़ों के अंदर करके आपने इसको पीस के इसके अंदर आपने मिला लेना है। तो उसके बाद आपने करना क्या है कि देसी घी आप उसके अंदर इतना डालें कि वो बिल्कुल तर हो जाए। अब उसको आप पकाएं, अच्छी तरह से उसको आप पका के उसको हलवा बना लें और फिर उसको आप भून लें, तो ये आपका खजूर का हलवा जो है वो तैयार हो जाएगा। बहुत शानदार चीज है, बहुत ताकत वाली चीज है, इंशाल्लाह बूढ़ों को जवान करने वाली चीज है, खास तौर पर इन सर्दियों में, और गर्मियों में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चूंकि अभी सर्दियों के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं कि ये बहुत शानदार नुस्खा आपके लिए मैं लेकर आया हूं, तो इसको आप बनाएं और सुबह निहार में आप इसको अपनी ताकत के हिसाब से जितना आप हजम कर सके, आपका मैदा जितना हजम कर सके उतनी मिकदार आप इसको खा सकते हैं। तो बाद में आप दूध भी पी सकते हैं, दूध के बगैर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका जो मिजाज बनता है वो गुद्दी आसाबी गर्म तर मिजाज बनता है, और ये खुश्की सर्दी और खुश्की गर्मी वाले मरीजों के लिए बहुत लाजवाब शानदार है। तो जिंसी और जिस्मानी तमाम अमराज के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर वाले भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, शुगर वाले भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, डिप्रेशन वाले इस्तेमाल कर सकते हैं, कब्ज वाले इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह दूसरे जितने भी मसाइल हैं तो उनको आप मद्देनजर रखते हुए इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मिजाज मैंने आपको बता दिया है, तो उस मिजाज को मद्देनजर रखते हुए आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह के फजल करम से आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। बहुत शानदार नुस्खा है। अगर आप इसकी इतनी मिकदार में नहीं बना सकते तो इसका आप हाफ भी कर सकते हैं, जितनी सारी चीजें हैं वो सारी आप आधी इसमें से जो मिकदार मैंने बताई उसकी आधी कर लेंगे तो भी आपका ये नुस्खा बन जाएगा। आप अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी इस्तात के मुताबिक आप इसके अंदर कमी या ज्यादती कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप इसके अंदर जो है वो चीजें डालना चाहें, जैसे जो है वो खोपरा वगैरह, तो भी आप अपने जायके के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आप मुस्तफीद हुए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रहिए, अल्लाह हाफिज।